हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आपकी मैम रेनू मैम, संस्कृत मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 8, अष्टम पाठ गणना। गणना क्या होती है? गिनती। यानी कि गिनती आप इंग्लिश में भी करते हो, हिंदी में भी करते हो। आज हम आपको संस्कृत में गणना कराएंगे, संस्कृत की गिनतियों के बारे में बताएंगे कि संस्कृत में गिनती कैसे होती है। जैसे आप देखिए कि संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक, समझ लेना बच्चों अच्छे से, 1 से 4 तक की जो संख्या होती है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, 1 से 4 तक। लेकिन उसके बाद की संख्याएँ तीनों लिंगों में क्या होती हैं? एक समान होती है, समान रूप से होती है। केवल 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। जैसे कि आप देखिए, एक, एकह, और स्त्रीलिंग में क्या होगी? एका, और नपुंसक लिंग में क्या होगी? एकम। एकह, एका, एकम, यानी कि एक सूर्य, एक सूर्य। यहां है एक वीणा, वीणा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो एका वीणा। यहां क्या है नपुंसक लिंग में? कंदुकम, तो ये क्या होगा? एकम कंदुकम, यानी कि एक गेंद। अब यहां क्या है? हाथी कितने हैं? 2, तो यहां क्या है पुल्लिंग में? द्वौ गजौ, 2 हाथी। अब स्त्रीलिंग में क्या है? 2 कन्याएं, द्वे कन्ये, 2 लड़कियां। अब ये क्या दिख रहे हैं आपको? फूल कितने हैं? 2 फूल हैं, तो द्वे पुष्पे, ये नपुंसक लिंग में है। अब है यहां त्रय, त्रय में 3 क्या दिख रहे हैं आपको बच्चों? यहाँ 3 शेर दिख रहे हैं, त्रय सिंघा, 3 शेर। यहाँ दिख रहे हैं त्रय बदला, फिर यहाँ हमने स्त्रीलिंग में तिस्त्र, तिस्त्र हो गया, तिस्त्र है बालिका, 3 लड़कियाँ हो गई। ये हैं पत्ते हैं, कितने हैं? त्रीणी। नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? त्रय तिस्त्र त्रीणी, त्रीणी पत्राणी, क्योंकि 4 संख्या तक ही हमें ये तीनों लिंग में बदलाव होता है, बाकी 5 से लेकर हमारी संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, एक सी ही रहती है, हर लिंग में एक सी रहेगी। केवल 1 से 4 तक ही संख्या में लिंगों के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे एक है एका एकम, और द्वौ द्वे द्वे, फिर त्रय तिस्त्र त्रीणी, चत्वारह चत्र और चत्वारी। समझ में आ गया? तो इस प्रकार ये 4 है, 4 वेद है, तो चत्वारह वेदा क्या है? 4 वेद है। ये क्या है? 4 लताएं हैं, तो क्या हो गया? ये चत्र लता, 4 लताएं। अब ये 4 क्या है? रुपए हैं, तो चत्वारी रुप्यकाणी, 4 रुपए। तो 1 से 4 तक आपने देखा हर लिंग में बदल गया, एक हो गया, एका हो गया और एकम हो गया, एक एका एकम, ये तो हमारा एक का हो गया, 2 का हो गया द्वौ द्वे द्वे, 3 का हो गया त्रि। अब हम इनके बच्चों शब्द जानते हैं, उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। जैसे एक एक, एका एक स्त्रीलिंग है, और एकम एक नपुंसक लिंग में है, द्वौ 2 पुल्लिंग में है, द्वे 2 स्त्रीलिंग में है, और द्वे 2 नपुंसक लिंग में है, त्रय 3 पुल्लिंग में है, तीसरे 3 स्त्रीलिंग में है, और त्रीणी 3 नपुंसक लिंग में है, चत्वार है 4 पुल्लिंग में है, चत्र 4 स्त्रीलिंग में है, और चत्वारी 4 क्या है? नपुंसक लिंग में है, सूर्य, सूर्य क्या है? सूरज है, कंदुकम क्या है? गेंद है, और गजय क्या है? हाथी है, बालिका लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं, और पत्राणी क्या है? बहुत सारे पत्ते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। आपको इनका अच्छे से याद कर लेना है तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से कार्य कर सकोगे। अब हमारा पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य है बच्चों, जिसके बारे में हम जानते हैं। सही उत्तर पर सही निशान लगाने हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी। जैसे यहाँ दिया हुआ है पहले में, एका इति संख्या पदम अस्ति, एका नपुंसक है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। एक है एका एकम, एका क्या है? चत्र, 4 संख्या तक ही तीनों लिंग। एक्सरसाइज नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे रिक्त स्थानों को भरना है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स, पुल्लिंग में एक है,
एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्त्र त्रीणि, चत्वार चत्र चत्वारि। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की बच्चों पूर्ति करी। अब इनकी संख्या जो दी हुई है, ये इनकी हमें संस्कृत में संख्या लिखनी है ना, बहुत आसान है। ये क्या है, सेवन, सा हमें लिखेंगे, यहाँ सप्त, यह है नौ, नव, ये है चार, चत्वारी, द्वौ। कॉपी लेना और उसमें जितनी भी दस तक की संख्या आपको इसमें दिखाई गई हैं उनको बनाना चित्र सहित, और उनमें रंग भरना, और अपने टीचर्स को, अपने अध्यापक और अध्यापिका को दिखाना कि आपने कैसे एक से दस तक की संख्या को, और उतनी ही संख्या की कोई भी चीज़ बनाना। जैसे एक है तो आपको एक चिड़िया बना देनी है, तो चिड़िया का चित्र बनाना और एक का है लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे आप एक चिड़िया लिख देंगे। दो है तो दो, जो भी चीज़ है पुस्तक, तो दो पुस्तक का चित्र बनाना और दो लिख देना, द्वौ लिख देना। इसी प्रकार आप सुंदर बनाकर रचनात्मक कार्य अपनी मैडम को या अपने सर को दिखाइएगा। और इस प्रकार बच्चों आपने जाना गिनती के बारे में। अब हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।